फाइनली अभी हम लोग बेटा को छोड़ के जा रहा हूँ ये हॉस्टल मतलब ये सार देखे ना, सार का घर में रहेगा। ये डाइनिंग रूम है, किचन है, तो ये हॉस्टल का ये हेलो का रूम। वाह, टीवी भी दे दिया। तो यहाँ कितना लोग है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लोग। और ये बेम्बू से चिकन बनाया गया है और ये अपना लोकल बेम्बू होता है। वंस अगेन वेलकम टी एस दिल्ली ब्लॉक। मैं आज घर से फिर निकल रहा हूँ। आप मेरा पीछे में देखो, एरन देख रहा होगा। आज मेरा बेटा का हॉस्टल का डे है, मैं आज हॉस्टल उसको छोड़ने जा रहा हूँ और घर से मैं अकेला निकल रहा हूँ फिलहाल। यस्टर देखो, मेरा मिसेस और मेरा बेटा लोग को मैं अपना दीदी का घर में छोड़ के आया हूँ। तो दीदी बोला है कि बेटा हॉस्टल नहीं जाने से पहले एक बार उसको भेद करा दो, तो इसलिए उसका घर में छोड़ के आया हूँ। तो आज मैं डेमू से उसको पिकअप करके लेके जाऊँगा उसका स्कूल की, और हॉस्टल में रख देंगे। और तो हॉस्टल कौन सा स्कूल में मैं रखता हूँ मैं आप लोग को अपडेट देंगे। और आज का बाद शायद मेरा ब्लॉग में मेरा बेटा बहुत कम आएगा, बड़ा बेटा, तो उन लोग से आज आपको मिलाएंगे और कौन सा स्कूल में लेके जाऊँगा ये अपना फैमिली ब्लॉग होगा। और अगर अच्छा लगे तो जरूर लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट्स करना। मैं उसके बाद में कुछ दिनों के बाद में जंगल के और नदी का वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल मैं अभी मिक्स कंटेंट बना रहा हूं अपना फैमिली के लिए। अपना फैमिली को अपडेट देना पड़ता है बीच बीच में आप लोगों को दिखाने के लिए मेरा फैमिली में कौन कौन रहता है। तो फिलहाल अभी निकलता हूं यहां से और अपना घर का तरफ कंपाउंड जो तरफ फ्लावर होता है जो उसको भी आपको दिखाएंगे। और अगर अच्छा लगे तो जरूर लाइक सब्सक्राइब करना और मेरे साथ में बने रहना। तो मिलते हैं आगे। तो आप लोग का प्यार खूब सारा मिल रहा है मुझे, इसी तरह आप लोग देते रहना। तो चलो आगे मिलते हैं कंटिन्यूस। एरन इधर, ये है मेरा एरन, देखो इसको आज घर में छोड़ के जाएंगे। तो एरन तुम घर में बैठो आज, हाँ सुनो, हाँ तुम घर में बैठो आज, थोड़ा बाद में मिलता हूँ। ये मेरा एरन है, ये घर का चौकीदार है, ये बहुत प्यारा है। बहुत दिनों से आप लोगों को मैं नहीं दिखा, आज अच्छे से दिखा रहा हूँ। देखिए ये है मेरा एरन, तो ये आज घर में रहेगा। जितना भी फ्लावर देख रहे हैं ना, ये सब मेरा अपना घर में है। तो आपको मैं पूरा फ्लावर को नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा जाना है जल्दी। आप बैकग्राउंड देख सकता है, हमारे यहाँ में बहुत फ्लावर रहता है क्योंकि प्लांटेशन में बहुत करता हूँ और हमारा मिसेस भी बहुत शौकीन है उस चीज़ के लिए, और इसीलिए हमने आपको थोड़ा सा झलक दिखा दिया। और अपना एरन देखो, पीछे पीछे वो आज गार्ड करके घूम रहा है, वो घर में रह जाएगा आज।
और ये अपना जो घर अंडर कंस्ट्रक्शन है इसमें भी फ्लावर आने से बहुत खूबसूरत होता है। फ्लावर जब आता है ना अपना, मेरा ये कंपाउंड में आप देखो पूरा फ्लावर मिलेगा आपको। देखो मेरा पीछे में पूरा फ्लावर रहता है। और आपको हम बस आन सीजन हो गया इसलिए आपको मैं ज़्यादा दिखा नहीं पा रहा हूँ, नहीं तो अपना यहाँ में बहुत फ्लावरिंग होता है और चिड़िया बहुत आता है जब फ्लावरिंग होता है तो उस समय में आपको मैं जंगल का कंटेंट तो बना कर दिखाता हूँ मैं। उसमें जो कुछ कुछ चीज़ जो हंटिंग करता हूँ बस मिनिमाइज़ कुछ दिखाने के लिए बस, नहीं तो मैं प्रोफेशनल में किलिंग नहीं करता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है, बस आप लोगों के लिए कंटेंट बनाने के लिए करता हूँ। तो देखो मेरा पीछे में फ्लावर, तो अपना गाड़ी रेडी है तैयार है, तो अभी मैं निकलता हूँ अपने बच्चों को हॉस्टल पहुँचाने के लिए और अपना फैमिली से मिलता हूँ। तो आपको दिखाएंगे मेरे फैमिली में कौन कौन रहता है और कौन कौन है, अपना बड़ा दीदी को भी आज दिखाएंगे। तो चलो मिलते हैं आगे, तो लेट्स गो दैमू में। ओ फाइनली दीदी का घर पहुंच गया, मैं पहुंचते ही देखो दीदी देखो खाना पीना रेडी कर रहा है मेरा। ये वाला बड़ा रहता है ना, ये वाला हॉस्टल जाएगा, ये पुकुम, ये तो छोटा वाला अमरसर रहेगा। तो टीवी शुरू, तो दीदी ने पहुंचते ही खाना पीना बना दिया वो बेटा के लिए, उसका भाई के लिए और मिसेस। देखो क्या लगा है, कौन गिर गया, ऐसे गिरता है क्या, बाथरूम में गिर गया बोलता है। देखो बाथरूम में गिर गया मिसेस ने, तो दीदी ने खाना पीना पूरा रेडी कर दिया ये बड़ा बेटा के लिए, उसका भाई के लिए। अभी अभी हम लोग खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद में हम उसको लेके जाएंगे हॉस्टल की ओर। और ये देखो मिसेस खाना निकल रहा है। अच्छा पुकुम तुम्हारा सामान पर रेडी, प्रतीक तो वो जाएगा। और देखो खाना, आज दीदी का घर में खाना खा के जाएंगे हम लोग देवू की ओर, मतलब हॉस्टल की ओर। तो चलो अभी खाना खाएंगे तो उसके बाद में मिलते हैं। ये सलाद देखो, और ये बेम्बू से चिकन बनाया गया है, और ये अपना लोकल बेम्बू होता है, इसको ता भी बोला जाता है, नींबू है, ईओ अपना भाषा में हम लोग ईओ बोला जाता है, बेम्बू से बेम्बू सूत है, बेम्बू से बनाया गया। और वो बेटा उनका खाना खाने का तरीका देखो किसे, तो ये है तो ले लो बेटा। तो अभी ये है बेम्बू, देखो डिलीशियस लग रहा होगा देखने में, देखो कितना मज़ा है। ये दीदी ने सलाद बना दिया, बेम्बू बना दिया और उसे पकाया है, ऑर्गेनिक है। तो चलो खाना खाते सब लोग। तो ये देखो तो चलो वो शुरू हो गया खाना खाने के लिए। देखो तो चलो मिलते हैं आगे। ये देखो अचार, दीदी अचार ले खिला दिया। ये अचार मेरा बेटा का फेवरेट अचार, बोबरी का है, बेरी का है, उसका नींबू है। तो और चलो तो हम लोग का फाइनली खाना पीना हो गया, दीदी भी जाएगा बोला है हॉस्टल तक, बेटा का हॉस्टल तक। और ये बेटा तो अभी हम लोग निकल रहे हैं अपना मिसेस। तो देखो पूरा बुरी भी हो गया तरह, बच्चा का जवान हो रहा है तो बुरी तो हो। तो ये बेटा, तो दीदी भी साथ में जाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का बैग को ना, बेटा का जो लगेज है वो उसका उसका नानी का घर में रखा है, तो उसका उसका नानी का घर से हम लोग उसको लेके जाएंगे। तो फिलहाल अभी दीदी का घर से निकल रहा हूँ, तो आपको मिलते हैं वहाँ। तो चलिए फाइनली अभी हम लोग हॉस्टल की ओर जा रहे हैं, बेटा को लेके। देखो तो अभी हम लोग हॉस्टल का सामान उसका पूरा पीछे में पूरा पैकिंग फुल, दीदी जा रहा है, मिसेस जा रहा है, बेटा वो और चौथा गुंडा यहाँ। तो अभी हम लोग जा रहा हूँ, तो मिलते हैं आगे। तो आपको तो फिलहाल अभी हम लोग यही से अभी अमची पहुंच चुका हूँ, तो चलो मिलते हैं। अभी अमची की क्रॉस, अमची मतलब अमची क्रॉस हो चुका है, उसके बाद अभी गुमतो पहुंचेंगे। गुमतो जस्ट गेट, अपना अरुणाचल गेट को पार करके क्रॉस करके उसके बाद राइट साइड की ओर जाता है रास्ता है। तो वही है, तो चलो तो आपको वहाँ पहुँच के दिखाएंगे। तो फाइनली हॉस्टल, देखो बच्चा लोग का रूम, वाह टीवी भी दे दिया। तो यहाँ कितना लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग, यहाँ में 9 लोग रहेगा। तो चलो तो अभी देखता है
बच्चों लोग का ये हॉस्टल है, तो वो स्कूल का प्रिंसिपल, तो अभी देखते हैं कि दोनों का अभी सामान यहाँ शिफ्ट कर देंगे, तो मिलते हैं आगे। ये डाइनिंग रूम है, किचन है, तो ये हॉस्टल का ये हॉस्टल का आपका किचन रूम है। अच्छा, ये तो ये डाइनिंग है बोलता है बच्चा का, तो यहाँ में मतलब कॉमन हॉस्टल तो है, ये हॉस्टल नहीं है, एक टीचर का प्रिंसिपल का घर में साथ में बैठने दे रहा हूँ ये लोग को, कि वो लोग का खाना पीना इधर होगा। लगभग यहाँ 15 बच्चा एक साथ में रहेगा, और उन लोग का लिए है ये कुछ एक्सरसाइज का भी सामान है, एक्सरसाइज कर सकता है। उसके बाद में यही में ये लोग का डाइनिंग और ये सीटिंग रूम है। उसके बाद में लगेज तो आ गया ये लोग का, अभी थोड़ा बाद में इसको सिस्टमेटिकली करके सजा देंगे। और अपना बेटा का एक भाई भैया ही है टॉमस बोल के, वो आ रहा है, तो उन लोग के साथ में एक साथ में गैदरिंग करा के देंगे, तो तब तक आप जुड़ते रहे हमारे साथ। फाइनली अभी हम लोग बेटा को छोड़ के जा रहा हूँ ये हॉस्टल, मतलब ये सार का, सार देखे ना, सार का घर में रहेगा, उन लोग का पढ़ाई लिखाई सब यही से होगा। स्कूल तो उस साइड में, आपको स्कूल तो दिखा देंगे, तो ये पीजी है, पीजी में रह जाएगा उन लोग, और बड़ा दीदी, मिसेस, उसका छोटा भाई, और ये मैं, तो वो अंदर चला गया। पुकुम कहाँ गया? पुकुम वो देखो सीधा अंदर चला गया वो, पीजी अभी घर से बहुत आएगा बोर्डर, अभी बेच जाएगा, तो अभी इमोशनल हो गया देखो। तो पुकुम अच्छा सर हो ना, तो यानी कुछ रिक्वेयर भी नहीं से पता, तो चलो तो मिलते हैं। तो फाइनली ये बेटा का स्कूल आप देख सकता है, ये स्कूल है, अभी काम चल रहा है, तो स्कूल आप लोग का लगभग 2-3 डेज का बाद स्कूल शुरू हो जाएगा, तब तक उन लोग को एडवांस हॉस्टल में लाना पड़ता है। हॉस्टल में ला के उन लोग को, उन लोग का प्रिपरेशन चलेगा, तो अभी आज से स्टूडेंट हॉस्टल का आने शुरू हो रहा है, तो ये लोग का स्कूल ये है, शायद वो ऑफिस होगा, वो क्लासरूम है, तो देखो तो ये है। तो बड़ा बेटा को तो पीजी में रख चुका हूँ, पीजी में रख के आया हूँ टीचर का साथ में, तो और ये लोग का क्लास ये है, तो चलो तो देखते हैं। ये कंपाउंड है स्कूल, पेरेंट्स आ रहे हैं, देखो और भी पेरेंट्स लोग अपना बच्चा को ला रहा है, और ये क्लास, ये ऑफिस है, ये क्लास 10 तक है यहाँ, आपका लास्ट क्लास यहाँ क्लास 10 तक पढ़ाया जाता है, बोला है क्लासरूम। और एक एक क्लास में आपका 25 स्टूडेंट होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है एक क्लास में, तो अच्छा लगा। 25 स्टूडेंट तो ठीक है, क्योंकि ज़्यादा बच्चा होने से भी तकलीफ होता है पढ़ाने के लिए। ये मेरा बेटा क्लास सिक्स का क्लासरूम, तो ये लोग क्लासरूम इस तरह का होगा, देखो यहाँ है पढ़ाई लिखा, यहाँ होगा 25 स्टूडेंट सिर्फ होगा, ये क्लास सिक्स का रूम है। उसका माँ जो क्लास स्कूल को देख रहे हो, और बड़ा दीदी उसमें खड़ा है, तो इसी तरह। तो बच्चा को तो छोड़ दिया हूँ, दिल थोड़ा तकलीफ है, लेकिन फिर भी क्या करेगा, बच्चा का एजुकेशन का पढ़ाई का सवाल है, तो हॉस्टल में रख दिया हूँ। तो मिसेस हम दोनों स्कूल को थोड़ा छानबीन करके देख रहा हूँ, और पीजी में रखा हूँ, कॉमन हॉस्टल में नहीं रखा हूँ, उसमें बस 10 तो बच्चा होगा उसमें, तो पीजी में रख दिया हूँ, तो यही है। तो चलो तो मिलते हैं आगे, तो अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट्स करना, तो मिलते हैं चले। तो फाइनली घर पहुँच गया बेटा को हॉस्टल छोड़ने का बाद, और मिसेस और छोटा बेटा तो अंदर पूरा दर भाग गया, बोलता है बहुत थक गया, बहुत गर्म भी बहुत ज़्यादा, धूप तो नहीं लग, गर्म ज़्यादा हो रहा है, पता नहीं समझ में नहीं आ रहा। तो घर तो पहुँच गया अपना, तो अपना तीती देखो पीछे में है, और अपना एरन देखो आते ही उसका क्या हो गया, पूरा भूख लगा है, बोला पूरा भूख से चिल्ला रहा था, तो उसको भी दाना वाना दे दिया। और अपना मिमी वो देखो मिमी और एरन, तो इसी तरह। तो अभी घर में हूँ, तो अभी थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर थोड़ा शाम को फिर कुछ काम है, फिर करना पड़ेगा, अपना दिल्ली लाइफ यही है। तो आज के बाद में आपको, मैं आपको जंगल का और नदी का कुछ कंटेंट दिखाने के लिए कोशिश करूँगा, और फाइनली अपना इलेक्शन का भी काम ख़त्म, अपने बच्चों का भी हॉस्टल वोस्टल जितना जहाँ पहुँचाना था पूरा पहुँचा चुका हूँ, बाकी जितना बाहर का काम है ख़त्म हो गया। तो इसी तरह, तो आपको अगर अच्छा लगे तो कोई और कंटेंट फिर से मिलेंगे, तो तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, एंड बाय बाय।